नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे FAQs के बारे में। अभी FAQs किस बारे में होंगे दोस्तों, हमने जो पहले पिछली जो वीडियोस बनाई है shake.com और Coursera के, उसके बारे में हम FAQs के बारे में बात करेंगे। अब FAQs यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। दोस्तों मुझे ये दो प्लेटफॉर्म shake.com और Coursera के बारे में बहुत सारे कमेंट मिली है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैं देने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में जो जो उनकी जो प्रॉब्लम्स आती थी आइदर क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में, सब कुछ मैं यहाँ पे उनका मतलब आंसर देने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहेगा, क्योंकि शायद आपका भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें हम shake.com और Coursera दोनों के बारे में साइमल्टेनियसली हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पे इन दोनों वेबसाइट पे shake.com और Coursera पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दोस्तों दोनों में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है, आपको उनको प्लेटफॉर्म पे जाना है और सिंपल वहां पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा बिकम ए ट्यूटर का, वहां पे आपको जाके क्लिक करना है और उनका जो गूगल फॉर्म आता है आपको फिलअप कर देना है। लेकिन दोस्तों जो Coursera है वहां से आपको कोई भी टेस्ट देनी नहीं पड़ती, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है वहां से आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ता, जो भी आपने एप्लीकेशन फिलअप किया है, जो भी आपने आपका CV अटैच किया है, रिज्यूमे अटैच किया है, वहां से वो आपको स्क्रूटनी करके सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन लेकिन shake.com पे आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हो तभी आप वहां पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि वहां पे आप एंसरिंग करने के लिए इलिजिबल हो जाते हो। ठीक है दोस्तों, ये था रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। अब इनकी डिटेल प्रोसेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है पेमेंट, यानी कि हमें shake पे एक क्वेश्चन के लिए कितना पेमेंट मिलेगा और Coursera पे हमें कितना पेमेंट मिलेगा। देखिए दोस्तों, shake.com पे हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, और Coursera में उनका स्टैंडर्ड पेमेंट है $3, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे Coursera पे हमें $3 मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे डिफिकल्टी बढ़ती है तो वहां पे बोनस क्वेश्चन के ऊपर टैग आता है, तो वहां पे आपको $3 से ज्यादा यानी कि $4, $5, $6 अप टू $10 तक एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएंगे। अब बोनस क्वेश्चन कैसा आता है तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वैसे में यहाँ पे आपका बोनस क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि अगर डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है तो स्टूडेंट अपने आप उनको हमको ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं। अभी अबव $3 यानी कि मिनिमम बेस प्राइस तो इनका $3 है, आप किसी भी सब्जेक्ट हो आपको यहाँ पे $3 मिलने ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे shake.com पे, तो shake.com पे हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग यहाँ पे पेमेंट रखी है। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, एक अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं, तो यहाँ पे आपको अगर मैथ्स, अगर आपकी मैथ्स सब्जेक्ट है तो आपको मैथ्स को 168 पेमेंट मिलेगा, आपको अगर केमिस्ट्री है तो 97 रुपीज मिलेगा, एडवांस फिजिक्स है तो 168 रुपीज मिलेगा एक क्वेश्चन को, फिजिक्स ओनली फिजिक्स है तो आपको 85 रुपीज मिलेगा। ठीक है, एडवांस फिजिक्स को 168 एंड फिजिक्स को 85 रुपीज। ठीक है, बायोलॉजी को आपको बताया मैंने शायद 83 रुपीज मिलेगा, अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देते हैं, 197 रुपीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब ये जो मेजर सब्जेक्ट का मैंने आपको यहाँ पे पेमेंट बताया, देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जो आपका पेमेंट मिलेगा वहां से वो 10% टैक्स वो डिडक्ट करके जो भी अमाउंट बचते वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, लेकिन Coursera में वैसे कोई भी अमाउंट हमें डिडक्ट नहीं होते, सीधे जो भी होती है वो हमारे अकाउंट में आ जाती। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं और ये एक बात यहाँ पे कहना, shake.com में पेमेंट लेने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती, क्योंकि जब भी हम उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे वो पैन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स हमसे वो ले लेते, ताकि उनका जो पेमेंट है वो हमारा पेमेंट डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, आपका जो भी इंडियन प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो सीधा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। और एक फिर से मैं बात कहना चाहता हूँ, चेक के अभी तक मैंने shake पे 2015 से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन पेमेंट के बारे में मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, उनकी बिल्कुल 200% जूनियन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और Coursera भी जूनियन प्लेटफॉर्म, दोनों भी जूनियन प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरा अभी एक्सपीरियंस मैं बोल देता हूं कि मुझे अभी तक
shake.com से कोई भी पेमेंट के बारे में दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो shake.com को आपको हर महीने की 15 तारीख को आपको पेमेंट मिल जाएगा, यानी कि सपोज आपका अक्टूबर 1 से 1 तारीख से 30 तारीख तक जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उनका पेमेंट आपको नवंबर 15 तारीख तक आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो बात हुई shake.com पे हर किसी सब्जेक्ट को कितनी पेमेंट आपको मिल जाएगी। अब देखिए कोर्स शेयरों का कैसा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि उनका बेस प्राइस $3 होता है, तो आपको जो भी पेमेंट होती है वो आपको 14 दिन के बाद आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं आगे आगे बताऊंगा वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है और जो भी कोर्स शेयरों के प्लेटफॉर्म में जो भी डिफिकल्टीज आती है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फेन विल रिवोक, यानी कि हमारा आइदर shake.com हो या फिर कोर्स शेयर, हमारा अकाउंट कब रिवोक हो सकता है, यानी कि कब बंद हो सकता है। देखिए दोस्तों हर कोई प्लेटफॉर्म की कुछ गाइडलाइंस होती है, अगर उस गाइडलाइंस को हम फॉलो नहीं करते तो हमारा अकाउंट रिवोक हो सकता है, ठीक है। अब कब हो सकता है, देखिए दोस्तों ये भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिर इसके आगे क्या ए कैसे आया, ए आंसर तक आप कैसे पहुंचे, ए पूछने का हमें कोई भी चांस स्टूडेंट को देना नहीं चाहिए। अगर स्टूडेंट को ऐसा मतलब चांस मिला कि आंसर कैसे आया इधर सर मुझे नहीं मतलब मुझे समझ में आया, तो आप समझ लेना आपके आंसर में कुछ तो गड़बड़ी हो चुकी, यानी कि कोई स्टेप आपसे मिस हो गया। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट को मतलब बाद में पूछना नहीं चाहिए कि आंसर कैसे आया, ये स्टेप मुझे समझ में आई। जैसे आपका आंसर वो देखते हो स्टूडेंट को सब कुछ थिंग्स जो भी है वो आंसर आपका क्लियर कर समझ में आ जाना चाहिए। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो हम समझ लेंगे कि हमारे आंसर में कुछ तो फॉल्ट है और उनको गाइडलाइंस को हमने फॉलो नहीं किया। दोनों पे shake.com या फिर कोर्सेरो दोनों पे हम जब गाइडलाइंस उनकी फॉलो नहीं करते तो हमारे हमारा जो अकाउंट है वो रिवोक हो सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे उनकी जो गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पेमेंट कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे कमेंट ये दो प्लेटफॉर्म में मुझे मिल रहे थे कि वहां पे पेमेंट कैसे मिलती है। देखिए दोस्तों shake.com पे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के साथ आप हमको उनको बैंक डिटेल देनी पड़ती है, हमारे जो इंडियन बैंक डिटेल्स है वो आइदर प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो आपको उनको डिटेल देनी पड़ती है। तो आपका जो पेमेंट है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, नो इश्यू इन दैट। बट इन कोर्स हीरो पे आपको एक वेरीफाइड पेपल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पेपल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। अब अगर आपको बाकी के प्लेटफॉर्म को मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन कोर्स हीरो का पेमेंट लेने के लिए आपको एक वेरीफाइड बिजनेस पेपल अकाउंट होना चाहिए। अब एक वेरीफाइड बिजनेस पेपल अकाउंट कैसे बनाए उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक वेरीफाइड बिजनेस पेपल अकाउंट चाहिए, कोर्स हीरो से पेमेंट आपको पेपल अकाउंट से ही मिलेगी और फिर आगे जाके आपको पेपल अकाउंट से आप अपने इंडियन बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको वहां पे अपना पेपल एड्रेस या फिर आपका मेल एड्रेस जो कि पेपल पे रजिस्टर है ये या फिर वो जो पेपल का आईडी होता है वो दोनों में से एक कौन सा भी आपको कोर्स हीरो में अटैच करना होगा, ठीक है। और पेपल पे आपको जो भी अपना इंडियन बैंक अकाउंट है वहां पे जाके आपको वो एड करना पड़ेगा, तभी आपको पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। अदरवाइज अगर आपका पेपल अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो आपका यहाँ पे लॉस हो सकता है या फिर आपके पेमेंट ऑन होल्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, आप एक बार अगर ऑन होल्ड पे गई तो आपको कंप्लीट एक महीना भी लग सकता है आपके अकाउंट में फिर से वो पैसे आने के लिए, और उसके लिए मेल करो सब झंझट उसके लिए पीछे लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप कंफर्म करें कि मेरा पेपल अकाउंट वेरीफाइड है, उसके बाद ही आप कोर्स हीरो से पेमेंट पेपल में ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। अब मेरा तो अभी पेपल में मैंने $150 मैंने एक महीने में कमाए तो मैंने अभी ट्रांसफर कर दिए, लेकिन दूसरे महीने के अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मेरे अभी $20 नहीं मिले अभी। देख एक हाँ और एक बात, जब भी आपके कोर्स हीरो पे $20 बन जाते तभी आप वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते, ठीक है। अभी मेरे दूसरे महीने के लिए $20 नहीं बने इसलिए मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, जब भी मैंने मेरे $20 वहां पे बन जाएंगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कोर्स हीरो से पेपल पे कैसे ले और पेपल से हमारे इंडियन बैंक में कैसे पैसे ट्रांसफर करें, सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब भी मैं उसका वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है फेल पेमेंट डन। अभी जैसे कि मैंने बताया कि shake.com की हर मतलब अक्टूबर का पेमेंट आपको नवंबर 15 तारीख को मिलेगा, ठीक है, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को आपको पेमेंट मिलेगा, पिछले महीने का पेमेंट नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को आपको मिल जाएगा, नो डाउट।
अब कोर्स हीरो का क्या होता है, देखिए दोस्तों कोर्स हीरो में आपका जो पेमेंट है वो आपको 14 दिन के, सपोज आज आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको वो 14 दिन के बाद आपके कोर्स हीरो के प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट होगा, और वहां से जब जब भी आपका $20 बनेगा तो आप वो पेपल पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 14 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो $3 जो भी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आंसरिंग, जैसे कि मैंने बताया उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है वो आप फॉलो कीजिए, सब आपको हो जाएगा। ठीक है, अब शेक का तो मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूं, क्योंकि अगर आपको shake.com के बारे में और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसके आंसर जरूर दे दूंगा। अब बात करते थोड़ी सी कोर्स हीरो के बारे में। अब देखिए कोर्स हीरो एक बहुत ही जनरल प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया, और वहां पे प्राइसिंग भी बहुत हाई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि एक क्वेश्चन को हमें $3 यानी कि लगभग 200 से 210 रुपए आपको मिल रहे हैं, यानी कि इट इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छा अमाउंट हमें दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ी सी कोर्स हीरो के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम वहां से पेमेंट कैसे ले। ठीक है, अब मुझे बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन हमारा पेमेंट कहाँ पे दिखाएगा, वो हम विड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप पहला क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करते हैं तो आपका जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन में, जब भी आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन यू है आंसर्ड, जो कि बीच वाला सेक्शन होता है, वहां पे आपको जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको वहां पे दिख जाएगा। शायद अगर पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख। अब आपका जब 14 दिन मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 14 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका वो जो ट्रांजेक्शन है वो इफेक्टिव ट्रांजेक्शन में हो जाएगा। अब जो भी होता है वो टेम्पररी ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि आपको पैसे नहीं मिल जाते। अब 14 दिन के बाद अगर आपको आपका जो आंसर है स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया तो आपको $3 मिल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका आंसर कब आंसर एक्सेप्ट करेंगे, देखिए दोस्तों उनको 48 आवर्स की गाइडलाइंस दी जाती है, यानी कि टाइम बाउंड दिया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, अगर 48 घंटे के अंदर स्टूडेंट से रिप्लाई आया कि योर आंसर एक्सेप्टेड और नॉट, अगर एक्सेप्ट किया तो आपको पैसे मिल जाएंगे, या फिर कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक्सेप्ट उन्होंने रिजेक्ट किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपके माइंड में रखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब आप उनको हेल्पफुल, यानी कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनको आपका आंसर अच्छा लगता है तो हमें वो रेटिंग करते हैं कि आपका आंसर हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो हमारा हेल्पफुल रेट अच्छा होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक अच्छा सा हमारा स्टेटस बनाए रखने के लिए आपको 85% आपका हेल्पफुल रेट चाहिए, और शेक में वो 80% होना, शेक में वहां पे हम सेफ स्कोर बोलते हैं उसे, वो आपका 80% शेक में चाहिए और कोर्स हीरो पे आपका 85% हेल्पफुल रेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 14 दिन के बाद जो भी हमारे जो डॉलर्स कमाए वो इफेक्टिव ट्रांजेक्शन में जाता है, और जब इफेक्टिव ट्रांजेक्शन में जब जाता है तो हम वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वहां से हम पेपर में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस FAQs के बारे में इतना ही, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन से डाउट है इन दो प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है, हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस है अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे लोग आते हैं देखते हैं और कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, तो ऐसा मत कीजिए। जब भी आप हमारे चैनल पे आएंगे वीडियो देखेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।